इस बार किसकी सरकार? कहीं ना कहीं जो है अब क्योंकि चुनावी माहौल गर्म है और हम इस टाइम खड़े हैं आपके फुटबॉल चौराहे पे, तो यहाँ कुछ जनता हमारे साथ है। आज पूछते हैं कि इस बार जो है कि चुनावी मुद्दे इनके क्या रहेंगे और इनका पसंदीदा जो नेता होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि जी बात करें चुनाव का सरगर्मियाँ तेज है नहीं है, भारी का विरोध चल रहा है, सपा ने भी 3-3 प्रचार कर दिए। क्या कहते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, मतलब जो क्या सोच के नेता चुनेंगे? चुनाव मुद्दे यही रहेंगे, शिक्षा, बेरोजगारी खत्म और तुम्हारा ये विकास। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अच्छा खासा विकास करा है, शिक्षा पे भी मतलब पहले से ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है और रोजगार भी लोगों को काफ़ी बढ़ा है। नहीं देखो, विकास के नाम पे वोट मिलेगा और ये तो जनता के हाथ में है। विकास के नाम पर वोट मिलेगा ये जनता के हाथ में, कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं बेरोजगारी और क्या कहें आपका विकास आदि जो मुद्दे हैं वो जनता के हैं। क्या नाम है? अंजुम निजामी। अंजुम जी, बात करें कि कहते हैं कि भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, क्या कहेंगे? क्यों कहा जाता है? कौन कहता है? ये वो कहते हैं जिनकी दुकान बंद हो गई, जिन्होंने 76 साल आजादी को हो गए, जिन्होंने 76 साल से मुसलमानों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने 76 साल से मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, जिसने एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी कौम जो सक्षम भी थी विकसित भी थी उसको आज 1% पे लाके खड़ा कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो 1% है, सरकारी नौकरी में कहीं नहीं है 1-2%, वही आज बाकी स्थिति तो आप देखते हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी है, लिब्राम आयोग की सिफारिशें देखी, तो मुसलमान को कहाँ करा इन लोगों ने। तो मुसलमानों का विरोधी भाजपा नहीं है, अगर आप सच्चाई देखोगे और थोड़ा सा अपना मन को समझा करके देखोगे कि जनरली हकीकत क्या है, तो आप देखोगे कि हकीकत में मुसलमानों का विरोध जो करा ना और मुसलमानों को पीछे लाने का काम जो किया वो वोट बैंक की राजनीति इस कांग्रेस सपा बसपा इन लोगों ने करा, भाजपा ने कहा करा। विपक्ष 40-50 सीटों वाला विपक्ष कहाँ होता, वो इतनी इज्जत बचा ले आगे के लिए गनीमत है उनकी बात। अब मैं फिर कहूँगा, फिर आप कहोगे कि एक अच्छे खासे नेता को लीडर को आप उस शब्दों से नवाज रहे हो, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सीरियस बनो, राजनीति सीरियस करो। ना जी, बात करें मोदी सरकार ने कही है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा खासा काम करा, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या हलाल आदि, तो क्या कहेंगे? नहीं, जो भी किया उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है, इससे पहले ये फैसिलिटी नहीं थी लेकिन इस सरकार में बहुत फैसिलिटी है महिलाओं को। महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित सरकार है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। सपा कहती है कि जो जितना शोषण महिलाओं का भाजपा सरकार में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं, गलत बोलते हैं, जो अब महिलाएं सेफ है ना उससे पहले नहीं थी। क्या मानती हैं इस बार, क्या क्योंकि मोदी सरकार कहती है इस बार 400 पार और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 200 भी आ जाए तो कहीं नहीं नहीं 412 ही आएगी, ज़्यादा ही हो सकता है। 412 तो होनी है, क्योंकि देखो मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज को जितना भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सड़क पे चल रही है इस टाइम, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम समाज उठा रहा है, 70% मुस्लिम समाज उसका फायदा उठा रहा है। और हमारे भाजपा पार्टी सबका साथ सबका विश्वास पे बात कर रही है और काम कर रही है, मुस्लिम दिल से पार्टी को चाहता है और वोट भी करेगा और करेगा। मोदी जी फिर दोबारा आएंगे और 400 पार पे जाएंगे। नहीं, योजना अब तो हमें मिल रही ना डायरेक्ट योजना, ये दलाली जो पहले दलाली हुआ करती थी, अब टूटा के मकान अगर हम बनवाते जा रहे थे पहले, पता चला कि दलाल ने ले 1 लाख दलाल ने खा लिए, पहले हमें 1.5 लाख ही मिले, अब ऑनलाइन हमारे खाते में पैसा आ रहे हैं, तो ये सब आरोप लगाएंगे ये पार्टी है। चोर बाजारी खत्म कर दी ना, अब चोर बाजारी खत्म कर दी भाजपा ने, सपा बसपा वाले की दुकानें बंद हो गई, तो वो कुछ ना कुछ तो उन्हें चाहिए अपनी दुकान चलाने के लिए। इस देश के अंदर सबसे बड़ा एक काम हो रहा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा, इस देश का बहुसंख्यक अपनी सब्सिडी छोड़ा है और सबसे ज्यादा सब्सिडी वो मिल रही है, जो छूटी हुई सब्सिडी है वो अपने छोटे भाई यानी बड़े भाई की भूमिका में है हिंदू समाज, वो मुस्लिम समाज की सब्सिडी नहीं ली भारतीय जनता पार्टी ने और सब्सिडी बढ़ाई है, मुस्लिम्स को आगे लाया है। क्यों? क्योंकि मुसलमान बहुत पीछे जा चुका है। आज की डेट के अंदर जो मोदी जी ने एक नारा दिया था ना कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे में कंप्यूटर, और ये देश
विश्व पटल पे बहुत आगे आ चुका है, लगभग तीसरे नंबर पर है, और ये विश्व पटल पे जिस दिन एक नंबर पे आएगा उस दिन इस देश का मुसलमान सबसे आगे होगा, और वो सक्षम भी होगा और विकसित भी होगा। ये मोदी जी को पता है, इसीलिए मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमान को ऊपर उठा रहे हैं कि किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई में आगे हो और इनकी जो आर्थिक स्थिति खराब है उसको आगे लाया जा सके। ऐसा कैसे कह सकते हो? मुसलमान खुल करके सड़क पे निकल रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, मस्जिदों में नमाज पढ़ रहा है, कहाँ है भयमुक्त? मुझे खड़े हुए देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल मेरठ के प्राइम लोकेशन प्राइम चौपले पे खड़े होकर के आपको बाइट दे रहा हूँ, कहाँ है भयमुक्त मुसलमान? नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष ने एक सिनेरियो चला रखा है कि मुसलमान के खिलाफ है भाजपा, मुसलमानों के को ये कर देगी वो कर देगी। 2014 में कांग्रेस ने कहा था कि मुसलमान को हिंदुस्तान से भगा देगी, काट देगी, मार देगी मोदी सरकार, मोदी खास तौर से, मोदी का एक भय मनाया था ना। 10 साल हो गए सर, अभी तक मैं सुरक्षित हूँ, और सच्चाई बता रहा हूँ, आज मुसलमान बहुत पसंद करता है भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? अगर विश्व के अंदर मुस्लिम कंट्री जितनी भी है, तकरीबन 57 कंट्री हैं जो मोदी जी को सपोर्ट करती हैं, जो क्रिमिनल टाइप का लोग हैं, उसके लिए तो सबसे पहले ही योगी जी ने कहा था या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाए, है ना, ये तो क्लियर कट है। लेकिन योगी मोदी सरकार कोई भी ऐसा कदम तो नहीं उठाएगी जो कानून के दायरे में ना हो। उन्हें पता है ये लोग उल्टी सीधे डायलॉगबाजी करके उल्टा सीधा मतलब इस तरह की सिनेरियो बना करके, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सारा मुसलमान ही क्रिमिनल टाइप का मरा, इनका इनकाउंटर हुआ? अब गूगल तो सर्च मारो ना यार, कितने मुसलमान बदमाश थे, कितने और थे? अरे बदमाश थे या कुछ भी थे, जो बदमाश था कोई भी हो, किसी जाति वो का किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। इस सरकार ने सबसे बड़ा काम ये करा, वो किसी भी जाति का हो उसके खिलाफ कार्रवाई। आज मोदी जी को हर आदमी, हिंदुस्तान को हर आदमी सीरियसली लेने लगा। आज से 10 साल पहले देखो ना यार, एक छोटा सा मुल्क है यहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान या आसपास के, ये धमकी देते थे हमें, आज वो धमकी दे रहे हैं। आज वो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें कि मोदी जी, वो अब दुश्मनाई की को छोड़ दीजिए, वो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी से माफी मांग के कैसे उनको मना सकते हैं, अब वो ये सोच रहे हैं। ये कम है, और व्यापार बताओ ना कौन नहीं, हर जगह व्यापार है, हर कुछ चीजें हैं जो ये 5 साल इसके अंदर मोदी जी इस चीज के अंदर सुधार और करें, कुछ सुधार हुआ कुछ और होगा। कहीं ना कहीं जो है ये सारी मुस्लिम वर्ग हमारे साथ थे बातचीत में, और सब ने कही है कि मुस्लिम जो योगी मोदी की राज में मुस्लिम सुरक्षित है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक मोदी का नारा दिया है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, तो वो मोदी सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं मुसलमान इन योगी और मोदी के राज में सुरक्षित है। मिनट्स NBT के लिए राम बाबू।